राजस्थान में 3 जुलाई से शुरू हुए विधानसभा सत्र में भजनलाल सरकार को कांग्रेस जमकर घेर रही है। इसको लेकर कई बार सदन में हंगामा होने से कार्रवाई भी स्थगित हुई है, लेकिन अब सरकार को कांग्रेस के साथ अपने ही विधायकों से भी खतरा होने लगा है। विपक्ष के साथ साथ अब बीजेपी के विधायक भी अपनी सरकार को घेर रहे हैं। ये विधायक विपक्ष का किरदार निभाते नजर आ रहे हैं। नमस्कार, मैं शेख जोया, आप देख रहे हैं द नगरी न्यूज। इसको लेकर सियासत में हलचल मच हुई। राजनीतिक जानकार इस घटना के आगामी प्रभावों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। पहले है जानते हैं बीजेपी के उन विधायकों के बारे में जो अपनी ही सरकार के खिलाफ विपक्ष का किरदार अदा कर रहे हैं। इन विधायकों में चंद्र कृपलानी, गोपाल शर्मा, प्रताप सिंह, केसराम चौधरी, कालीचरण सराफ के नाम शामिल है। विधानसभा में पिछले गुरुवार को भाजपा विधायक चंद्र कृपलानी ने भी सरकार को घेर लिया। प्रश्नकाल के दौरान सरकार से पूछा कि स्कूल और मृत शिशु केंद्र खोलने के लिए आपकी क्या मापदंड है। इस पर स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह ने जवाब दिया तो भाजपा विधायक संतुष्ट नजर नहीं आए। उन्होंने सरकार पर ही निशाना साधते हुए कहा कि एक तरफ सरकार जनसंख्या नियंत्रण की बात करती है तो दूसरी तरफ आप कम जनसंख्या वाले क्षेत्र में शिशु स्वास्थ्य केंद्र नहीं खोल रहे। आखिर सरकार क्या चाहती है? हम स्कूल खुलवाना चाहते हैं, आप कहते हो बच्चे की संख्या इतनी होनी चाहिए, अगर सड़क बनाने जाएं तो 2000 की आबादी होनी चाहिए। ऐसे में सरकार के मापदंड समझ से परे हैं। तो वहीं जयपुर की हाई प्रोफाइल सीट सिविल लाइन से भाजपा विधायक गोपाल शर्मा ने भी विधानसभा में अपनी सरकार को तेवर दिखाए। उन्होंने सरकार को जमकर कटघरे में खड़ा कर दिया। उन्होंने विधानसभा में खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की भर्ती और मिलावट को लेकर स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह को जमकर घेर लिया। विधायक के पूछे गए सवाल पर मंत्री ने जवाब दिया तो विधायक गोपाल शर्मा असंतुष्ट नजर आए। उन्होंने यहां तक कह दिया कि मेरे सवाल का जवाब ये नहीं है, मैंने सीधी सी बात पूछी थी, भर्ती क्यों नहीं हुई, ये 4 शब्द है, इसका जवाब दीजिए। तो वहीं पूर्व मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता प्रताप सिंह ने भी बीते 2 दिनों भजनलाल सरकार पर सवाल खड़े किए। उन्होंने स्पीकर वासुदेव देवनानी से शिकायत की, इसमें वो बोले कि हम जो प्रस्ताव पढ़ते हैं इसको लेकर 295 में सवाल लगते हैं, उसे का हमें आज तक जवाब नहीं दिया गया। ये नहीं अन्य विधायकों को भी 295 को लेकर जवाब नहीं मिले, ये सभी विधायकों के दिल की पीड़ा है। उन्होंने 295 के तहत जवाब दिलवाने की मांग की। भाजपा विधायक केसराम चौधरी ने भी अपनी सरकार पर बड़े सवाल खड़े किए। उन्होंने विधानसभा में पाली क्षेत्र में हो रहे अवैध खनन को लेकर सवाल किया था। वो बोले कि 24 महीने 26 दिन तक उनके क्षेत्र में बिना लीज के खनन हुआ। इस पर विधायक ने पूछा कि उन पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई। इस दौरान विधायक की मंत्री गजेंद्र सिंह के साथ हल्की फुल्की बहस भी हुई। मंगलवार को पूर्व मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ विधायक कालीचरण सराफ ने चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह पर तंज कसते हुए हमला किया। वो बोले कि मंत्री जी, जो अफसरों ने आपको लिख कर दिया वही जवाब आपने पढ़ दिया, आपका जवाब बिल्कुल गलत है। दरअसल कालीचरण ने पिछले गहलोत सरकार के दौरान डायलिसिस मशीनों की खरीद में गड़बड़ियों को लेकर सवाल उठाए, लेकिन इसके जवाब में चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह ने गड़बड़ियां होने से इनकार कर दिया। इस पर विधायक कालीचरण मंत्री पर भड़क गए। ऐसे में मुख्यमंत्री भजनलाल को अपने ही विधायकों का विरोध झेलना पड़ रहा है, जिससे सियासत में जमकर हलचल मची हुई है। ऐसे तमाम और खबरों के लिए देखते रहे द नगरी न्यूज। शुक्रिया।